ओके तो पार्ट नंबर टू शुरू करते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज। वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट, जो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है उसे क्या बोलते हैं? बेलिकोज, झगड़ालू बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हैविंग टू वाइफ्स, एक व्यक्ति जो टू वाइफ्स और हस्बैंड रखता है उसको क्या बोलते हैं? बाइगैमी या दो विवाह। एक व्यक्ति या महिला कोई भी अगर दो शादियां करता है तो उसे क्या बोलते हैं? बाइगैमी। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल, द्विभाषी। हार्ड बट लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से कठोर हो लेकिन बड़ी आसानी से टूट जाए, ब्रिटल कहते हैं, क्षणभंगुर हिंदी में। अ पार्ट ऑफ हॉर्सेस हार्नेस दैट गोज ऑन टू इट्स हेड, एक घोड़े के जो ऊपर बांधी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रिडल, मतलब घोड़े की लगाम को बोलते हैं। अ पर्सन हु ब्रेक्स इन टू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, एक व्यक्ति जो जबरदस्ती घर में घुस रहा है किस पर्पस से? चोरी के पर्पस से। क्या बोलते हैं? बर्गलर, चोर। नेक्स्ट देखते हैं। कलेक्शन ऑफ अ नेम्स ऑफ बुक्स यूजफुल फॉर द पर्पस, बिब्लियोग्राफी, उपयोगी पुस्तकों के नाम संग्रह को क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस पे बहुत सारे लोग खड़े हैं उसे क्या बोलते हैं? बेवी। एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, एक बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच करने को क्या बोलते हैं? एक बायोप्सी। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बुके, क्या बोलते हैं इसको? बुके। एक फूलों के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बुके, जो ज्यादातर हम लोग गिफ्ट करते हैं किसी के बर्थडे में या शादी पार्टी में। टू कट समथिंग इंटू टू पार्ट्स, बाइफरकेट, किसी चीज को दो भागों में काटने को क्या बोलते हैं? बाइफरकेट। टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू, एक किसी व्यक्ति का भरोसा तोड़ना क्या कहलाता है? बिट्रे, धोखा देना। अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास, अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास, बर्जियोस, मध्य वर्ग। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, एक व्यक्ति जो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा पसंद करता है, बेलिकोस कहते हैं, युद्धप्रिय। अ चाइल्ड बॉर्न बाई अनमैरिड पेरेंट्स, एक बच्चा जो बिना साधु शादीशुदा माता पिता का है क्या कहलाता है? बेस्टार्ड, नाजायज संतान। अगला है टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करने को क्या बोलते हैं? बी हेड। अ लॉन्ग सॉन्ग और अ पोएम, एक लंबी कविता अथवा गाने को क्या बोलते हैं? बैलाड, लंबी कविता। अ मैन हु इज नॉट मैरिड, एक व्यक्ति जो शादीशुदा नहीं है उसे बोलते हैं बैचलर, अविवाहित। जेनियोसिटी, जेनरोसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरे लोगों की सहायता करना, बेनेवोलेंस, परोपकार या दयावान बोलते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड है, अ सेवियर स्नो स्टॉर्म विद हाई विंड्स, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरना और बहुत तेज तेज हवा चलना, ब्लिजार्ड, बर्फ के तूफान को बोलते हैं ब्लिजार्ड।
ओके, तो आज के लिए ये 21 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट डे देखते हैं, अगले 20 करेंगे। थैंक यू। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोस बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहें। थैंक